हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको स्टूडियो मास्टर डीजे 5000 का एम्पलीफायर दिखेगा फ्रेंड्स, जो मेरे पास सर्विस के लिए आया हुआ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग फ्रंट रेयर साथ में इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी रिव्यू कर लेते हैं। कुछ जो मेरे फ्रेंड्स से कॉमेंट भी किए थे कि सर इसका मॉड्यूल रिव्यू कीजिए, तो चलिए आज इसका मॉड्यूल रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका मैं पावर कैपेसिटी के बारे में बता दूं। इसका जो पावर कैपेसिटी है फ्रेंड्स, 2 ओम्स पे फ्रेंड्स 25 वाट पर चैनल, 4 ओम्स पे 19 वाट पर चैनल एंड 8 ओम्स पे 12 वाट पर चैनल है। इसका फ्रंट में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका मॉडल नंबर डीजे 5000 एक कंपनी का उसका नाम हो गया फ्रेंड्स। और नीचे देख सकते हैं इसका ऑन ऑफ के लिए पावर का स्विच, इसमें 3 इंडिकेटर देख लीजिए। एक नीचे का है जो पावर का इंडिकेटर, आपका पावर होने पर शो होगा। 2 इंडिकेटर का प्रोटेक्ट दिया हुआ है ए और बी के लिए। आपका एम्पलीफायर किसी तरह का एबनॉर्मल कंडीशन में होगा तो आपका प्रोटेक्ट शो करेगा, चाहे वो आपका टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, या इंटरनल में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आपका प्रोटेक्ट शो करेगा। और बीच में देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बी की नोक में 2 साइड के लिए 2 वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है फ्रेंड्स। और बीच में देख सकते हैं आपको 2 इंडिकेटर ग्रीन में 2 साइड के लिए सिग्नल का, और ऊपर में क्लिप का 2 चलन के लिए ए और बी चलन के लिए। नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बेस बूस्ट का एक इंडिकेटर मिल जाता है फ्रेंड्स। रेयर पैनल में इसका एक्सटर्नल स्विच दिया गया है फ्रेंड्स। अब जैसे ही इसको ऑन करते हैं फ्रेंड्स, आपका बेस्ट बूस्ट का इंडिकेटर शो करेगा फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, इसका रेयर पैनल पे आते हैं। अब इसका रेयर पैनल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका पावर का कोड है फ्रेंड्स, ये इसमें देख सकते हैं। फ्यूज है 30 एम्पीयर का फ्रेंड्स, फ्यूज होल्डर लगा हुआ है। और इनपुट के लिए फ्रेंड्स आपको मिल जाता है चलन ए और चलन बी के लिए देख सकते हैं। सॉकेट माइक सॉकेट प्लस एक्सएलआर मिल जाता है दोनों चलन के लिए। और आउटपुट के लिए आपको स्पीकर सॉकेट देख सकते हैं बी और ए चलन के लिए। साथ में आपको वाइंडिंग पोल भी मिल जाता है फ्रेंड्स, ये वाइंडिंग पोल टूट गया है फ्रेंड्स देख सकते हैं, एम्पलीफायर काफी पुराना है इस वजह से। बीच में देख सकते हैं ऑपरेशन मोड का स्विच मिल जाता है फ्रेंड्स, स्टीरियो ब्रिज और पैरेलल। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बेस्ट बूस्ट का स्विच दिया गया है। जैसे ही आप ऑन कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका इंडिकेटर आगे की ओर शो होगा और बेस जो है बूस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 2 चलन के लिए सब वूफर और लो कट का स्विच मिल जाता है फ्रेंड्स। आप सब वूफर मोड में इसको रख करके आप फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका इंटरनल पार्ट्स के बारे में रिव्यू कर लेते हैं। अब इसका इंटरनल पार्ट्स देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर देख लीजिए। उसके बाद ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड देख लीजिए, आपको 6-6 12 कैपेसिटर मिल जाते हैं फ्रेंड्स, जो 15300 वोल्ट के लगे हुए। उसके बाद आप देख लीजिए आउटपुट मॉड्यूल जो है बोर्ड है देख लीजिए, ये आपको बी चलन का और ए चलन का। और ये देख सकते हैं इनपुट पैनल, साथ में 2 पंखा लगा हुआ देख सकते हैं। एयर फ्लो है बैक टू फ्रंट की ओर है फ्रेंड्स। अब चलिए इसका आपको मॉड्यूल का थोड़ा बहुत रिव्यू कर देते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है कॉमेंट किए थे, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। मैं इसका जो है कनेक्शन वायर खोल देता हूँ कुछ। अब इसका मॉड्यूल देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं माइक्रो एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए फ्रेंड्स। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और कुछ बहुत से कंपोनेंट लगे हुए आईसी वगैरह देख लीजिए, मैं साइड से दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 2SA193 के मॉस्फेट दिखेंगे फ्रेंड्स। साथ में आपको कुछ अदर ट्रांजिस्टर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर दिखेंगे फ्रेंड्स, और कुछ जो है अल्ट्रा फास्ट डायोड दिखेंगे। इधर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 2SA5200 के मॉस्फेट ट्रांजिस्टर दिखेंगे फ्रेंड्स, साथ में अदर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर और कुछ आपको अल्ट्रा फास्ट डायोड और मॉस्फेट दिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।